हरे कृष्णा। तो भाई एक भाई का कमेंट आया था कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑन SEPC एंड हाईटेक पाइप्स। तो भाई दोनों के लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो और बिगनर हो, कोशिश करो कि निफ्टी 50 का स्टॉक में करो, कोशिश करो कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 का स्टॉक में करो। ऐसा ना करो कि इस तरह का जो स्मॉल कैप है, अगर हाईटेक को आप देखिएगा, हाईटेक पाइप्स को देखिएगा, तो इसका मार्केट कैप जो है मात्र 3,458 करोड़ का, ठीक है, स्मॉल कैप की कंपनी है। तो कभी भी इसको मैनुपलेट कर दिया जा सकता है। अगर इसका टेक्निकल चार्ट आप देखेंगे तो देखो, अभी 196 पे हाईटेक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो जोन पे ट्रेड कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया एक्युमुलेशन हुआ है, कह नहीं सकते हैं। ये कंपनी जो है क्या यार, डिविडेंड भी बहुत कम ही दी है, छोटी कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आपका पैसा कहीं बाहर का आया हुआ है तो आप दिमाग लगाइए, मतलब ऐसा पैसा है कि उसमें डाल दो। अगर डालना भी है तो मेरा सजेशन होगा कि जो पूरा पोर्टफोलियो है आपका, जितना भी 1 करोड़ या 1 लाख 2 लाख, तो उसमें से 5% जो है, 5% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह का कंपनी है, स्मॉल कैप से हमेशा बच के रहिए। अगर बचिएगा बहुत बढ़िया, मतलब सुकून से रहिएगा, नहीं तो एक एक दिन में अगर मार्केट फॉल होगा तो बहुत ज़बरदस्त फॉल होगा आपका ये सब कंपनी में। अभी अगर इसको देखेंगे तो देखो, अभी जिस रेंज में है 210 के आसपास हाई लगा था, और जिस रेंज में है वहाँ से एक रिवर्सल आया है, अब फिर एक्युमुलेट कर रहा है उस जगह पे, और 196 इसका एक सपोर्ट बन करके बैठा हुआ है। तो यहाँ से भागने का तो भाग सकता है भाई थोड़ा सा, लेकिन वॉल्यूम अभी घट रहा है। अगर वीकली चार्ट देखेंगे हम लोग इसका, एक बार अप मूव लेने देना, उसके बाद ही दिमाग लगाना। भाई इसका अगर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस हम देखें, नेट प्रॉफिट जो है अपनी ग्रोइंग है, फिर भी ग्रोइंग है ना भाई, फिर भी इसमें विशेष करके ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन रिस्की कंपनी है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा बच करके, कैपिटल को बचाइए इस स्टॉक से, जो मेरा मानना है। बाकी आपका पैसा है, आप समझो रिस्क रिवार्ड आपका है। नेट प्रॉफिट में है कंपनी, और प्रॉफिट इसका लगातार बढ़ते जा रहा है। 6 करोड़ 2016 में था, 10 करोड़ हुआ, 21 करोड़ हुआ, 27 करोड़ हुआ, 2023 में 38 करोड़ 38 करोड़ था, अभी मार्च 2024 में इसमें 44 करोड़। तो ठीक है, प्रॉफिट तो चल रहा है। अगर इसका देखा जाए तो इसमें है 53% 54% से जून 2024 में, जुलाई में इसमें आपका 3 से 4% प्रमोटर डाउन हुआ है, FII का पोजीशन बढ़ा है। अच्छा, तो आप शायद इस स्टॉक में इसीलिए जा रहे हो क्योंकि इसमें FII का स्टेक बहुत बढ़िया इंक्रीज किया है, करीब 8.5% के आसपास आ गया है, जो 1.82 था, तो मतलब 7% इसमें FII का एंट्री हुआ है, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन वहीं पे DII 1% इसमें से हटा है, देख सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेड है। 5% से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं मतलब रिकमेंडेशन तो है नहीं, मतलब अपना स्टडी के हिसाब से 5% से ज़्यादा इसमें आपको कैपिटल डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। रिस्की है थोड़ा सा भाई, हाई रिस्क हाई गेन है, बाकी आप समझ लीजिए। अगर हाई रिस्क लेना है तो हाई गेन भी हो सकता है, और अगर कंसिस्टेंसी से चलना है तो कंसिस्टेंसी से आपको उधर भी मिल सकता है। बहुत सारा स्टॉक है, रिलायंस को उठा लीजिए, बहुत सारा स्टॉक है। FII चूँकि बढ़ा है तो शायद बाइंग हो, अगर निकलता है तो फिर आप इसमें अच्छा खासा आगे का देख सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। ये सब स्टॉक से अच्छा निफ्टी 50 निफ्टी 100 में काम कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो आपका स्टॉक है वो है SEPC, 4,586 करोड़। ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है, 30 रुपया पे ट्रेड कर रही है। कोई यूट्यूबर के चक्कर में पड़ गया हो क्या, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा ये सब स्टॉक से दूर रहने का भाई। देखिएगा ये भी 4,500 करोड़ की कंपनी है, ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप इसका टेक्निकल के हिसाब से देखोगे, 26 रुपया के ऊपर ब्रेकआउट आया था, अभी हाई लगाया है रिसेंटली, ये 33 रुपये के आसपास का, 33 रुपये से ये नीचे आकर के 29 रुपये में अभी चल रहा है। करेंट मार्केट प्राइस 29 रुपये का है। अगर इसमें आप जुलाई का देखोगे तो जुलाई में प्रमोटर इसमें से 37% से घट करके 33% पे आ गया है, तो एक निगेटिव चीज़ ये है। प्लस DII भी 24% से 22% पे आ गया है। बढ़ा है कौन, तो सिर्फ पब्लिक 36% से
43% के आसपास, 36% से 43% के आसपास पब्लिक का स्टेक इसमें बढ़ा है। तो जहाँ पे पब्लिक बढ़े, DII और FII भागे, वहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है। तो मैं कहूँगा कि पंप एंड डंप होने वाला ये सब स्टॉक है, 29 रुपया पेनी स्टॉक के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो इस तरह का स्टॉक बताते हैं, कोशिश करो ये सब स्टॉक से दूर रहने का बॉस। फ्यूचर में बहुत खुश रहिएगा, बड़ा बड़ा स्टॉक में काम कीजिए जिसका मार्केट कैप बड़ा है, जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम में डेली ट्रेड होता है। ये सब स्टॉक आपको फंसा देगा एक ना एक दिन। ठीक है, 10 स्टॉक लोगे उसमें से 5 स्टॉक में हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन 5 स्टॉक इतना गंदा आपको लॉस देगा कि फिर 2-5 साल तक फंसे रह जाओगे, वो स्टॉक ऊपर नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए इस स्टॉक से निकलने का जहाँ पे भी है। अभी आपका एक जो डाउन आ रहा है इसमें, तो ये 26 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट बन रहा है, 26 रुपये 75 पैसा के आसपास। तो देख लीजिएगा, अगर वहाँ से आप जाता है तो ठीक है, नहीं तो अभी तो वीकली चार्ट पे आप देखिएगा तो ये अच्छा खासा डाउन साइड का दिखा रहा है, और एक डबल टॉप टाइप का भी इसमें फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, 33 रुपये पे जा करके बार बार निकलने का, लेकिन डाउन साइड में इसका वॉल्यूम नहीं है, चूँकि आप यहाँ पर 26 रुपये पे निकल जाने का कोशिश कीजिए, मेरा यही सलाह है। बाकी आप सोचिए, लॉस प्रॉफिट आपका है, आपका पैसा है, ये सब स्टॉक से दूर रहिए, बढ़िया स्टॉक्स में काम कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिएगा लॉन्ग टर्म में, बाकी आपकी मर्जी। और जो फैक्ट था वो मैं बता रहा हूँ, आप जो सुनना चाहते हो वो अगर मैं कहूँ कि हाँ बहुत बढ़िया है तो शायद आपको पसंद आएगा, लेकिन नहीं, जो सच है चाहे वो कड़वा हो लेकिन उसको समझो चीज़ों को भाई। तो ठीक है, देखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक सपोर्ट कीजिए। हरे कृष्ण।